इंदौर शहर में डोर टू डोर कचरा वाहनों द्वारा संग्रहित किए हुए सेग्रीगेटेड कचरे को ट्रांसफर स्टेशन से आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है, जिसमें गीले कचरे को कैप्सूल वाहनों में भरकर ट्रेंचिंग ग्राउंड स्थित सेंट्रलाइज्ड कंपोस्टिंग प्लांट पर ट्रांसफर किया जाता है। ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचने के बाद सबसे पहले कैप्सूल वाहनों को वेइंग मशीन पर तौला जाता है तथा कंपोस्ट प्लांट पर खाली कर इनके विंडरोज बनाए जाते हैं। प्रतिदिन लगभग 600 टन गीला कचरा कंपोस्टिंग हेतु सेंट्रलाइज्ड कंपोस्ट प्लांट पर भेजा जाता है। इस गीले कचरे को खुले में रखा जाता है ताकि इसकी नमी कम हो जाए। इस कचरे से निकलने वाले लिचिट के लिए ड्रेनेज लाइन की व्यवस्था की गई है तथा ड्रेनेज लाइन के माध्यम से समस्त लिचिट को लिचिट कलेक्शन टैंक्स में एकत्रित किया जाता है। यहां से टैंकर के माध्यम से लिचिट को एसटीपी पर निपटान हेतु भेज दिया जाता है। इस गीले कचरे को हर सप्ताह मिक्स कर पलटाया जाता है। साथ ही दुर्गंध रोकने तथा कंपोस्टिंग प्रक्रिया बढ़ाने वाले जीवाणुओं की वृद्धि के लिए उपयुक्त छिड़काव भी किया जाता है। 28 दिन बाद इस वेस्ट को कंपोस्टिंग प्लांट पर आगे की प्रक्रिया के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां इस कचरे से लगभग 50 से 60 टन गुणवत्तापूर्ण खाद का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया से बने हुए खाद की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसके लिए प्लांट में स्थित लैब में इस खाद की गुणवत्ता की टेस्टिंग भी की जाती है। इस जैविक खाद को नगर निगम इंदौर द्वारा इंदौर सिटी कंपोस्ट ब्रांड नाम से अनपैक्ड 2 रुपए किलो तथा पैक्ड फॉर्म में 3 रुपए किलो की दर से शहर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को विक्रय किया जाता है। इसके अलावा इंदौर नगर निगम, वन विभाग तथा इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित उद्यानों एवं नर्सरियों में भी इस गुणवत्तापूर्ण खाद का उपयोग किया जाता है। इस कंपोस्टिंग प्रक्रिया में 25 से 30 टन इनर्ट वेस्ट प्रतिदिन बचता है, जिसे इंजीनियर्ड लैंडफिल में भराव हेतु भेजा जाता है।